जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई जर्नी में, एक और नई वीडियो में। तो फाइनली हमने 2-3 महीने बाद अपनी एक और इंटरनेशनल जर्नी है वो स्टार्ट कर दी है। ये जर्नी होने वाली है हमारी भाई चेन्नई से सिंगापुर के लिए। हाँ जी दोस्तों, हमारी जो कंट्री है ये 10वीं कंट्री है जो हम इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हैं, 10वीं कंट्री के अंदर जर्नी कर रहे हैं। तो चेन्नई से सिंगापुर होने वाली है और सिंगापुर से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों जर्नी होने वाली है। और मैं अपना जो बोर्डिंग पास लेके इमिग्रेशन क्लियर करके बैठा हूँ एयरपोर्ट पर 14 अपने गेट नंबर पर। अपना बोर्डिंग पास लेके और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं बैठा हूँ दोस्तों अपनी फ़्लाइट की वेट में, अपना यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा आपको एक बार एयरपोर्ट दिखा देता हूँ चेन्नई का। पहले मैंने एक बार दिखाया भी है, यहाँ से मैं श्रीलंका गया था और शायद एक बार और कहीं गया था, ध्यान नहीं। अभी एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कोई मैं चेन्नई से ट्रैवल क्यों करता हूँ दोस्तों, यहाँ से चेन्नई से जो टिकट है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, इसलिए वो हरियाणा से चेन्नई आते हैं ट्रैवल करने के लिए। और जो मेरी अब की बार जो फ्लाइट है दोस्तों एयर इंडिया एक्सप्रेस की है मैंने, पीछे एयर इंडिया थी, अब की बार एयर इंडिया एक्सप्रेस है। तो चलो पड़े हैं भाई दोस्तों अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। यहाँ पर बैठे हुए पीछे फ़ोन चार्ज कर रहे थे, तो अभी 12:55 हमारी बोर्डिंग हो स्टार्ट है, तो उससे पहले ही अपना 5-10 मिनट पहले गेट पर पहुँच जाते हैं। तो मिलते हैं आपको फ्लाइट में। फ्लाइट में बैठ चुके हैं भाई, जो मेरे को सीट मिली है ये देख सकते हो, खिड़की वाली सीट दी है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। चार घंटे का सफ़र करने के बाद दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर और आपसे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मिले हैं। अभी हम यहां से मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं, मेट्रो से लेकर अपने हॉस्टल जाएंगे। तो इमिग्रेशन में दोस्तों कम से कम मेरे आगे जो 4-5 थे ना, 500 को जो ऑफिसर था उसने दूसरे ऑफिसर के पास भेज दिया, डॉक्यूमेंट ले आया दूसरे के पास भेज दिया, डॉक्यूमेंट ले आया दूसरे के पास भेज दिया। तो तब मेरी बारी आई, उसने मेरे से पूछा भाई क्या नाम है, नाम उसने अपने आप बोल दिया। तो मैंने बता हाँ यस मैं ये मेरा नाम है। तो कितने दिन के लिए आए हो, वहाँ 5 डेज़ के लिए, 3 डेज़ सिंगापुर, 2 डेज़ इंडोनेशिया। तो क्या करते हो, वही अकेले आए हो। तो मैंने यूट्यूब चैनल बता दिया भी मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ और यूट्यूब चैनल दिखा दिया। तो यूट्यूब चैनल थोड़ी देर देखने के बाद उसने तो बोला ओके जाओ। तो कुछ इस प्रकार की इमिग्रेशन थी दोस्तों, मैं तो बहुत डर रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सिंगापुर आया हूँ। तो सिंगापुर के मैंने बारे में थोड़ा सुना था भाई, ये रिपोर्ट वगैरह कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर था, लेकिन अभी फाइनली पहुँच चुके हैं। दोस्तों मेट्रो स्टेशन पर आते ही एक कार्ड परचेज किया जो कि है $10 का, और इसके अंदर मिले लगभग $5 की फीस, $5 इसके अंदर मेरे को मिले हैं। अब उसके बाद मेरे को एक बार और चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं सीधा लवेंडर से 16 मिनट का पैदल रास्ता, तो मैं अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन मेरे को बोला जा रहा कुछ इस प्रकार का स्टेशन है, तो आप आराम से जा सकते हो अगर आप भी उस हॉस्टल को बुक करते हो या उस साइड बुक करते हो। इतना मेरी ट्रेन आती है, थोड़ा और आपको अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जब मैं चेन्नई आया था, चेन्नई में बोर्डिंग पास लेते समय उस लड़के ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, बस नाम पूछा था, बाकी उसने भी कुछ नहीं पूछा। जैसे ही मैं इमिग्रेशन में गया, इमिग्रेशन पर 5-6 काउंटर थे, सिर्फ 2 काउंटर पर बंदे बैठे थे और वो भी बिल्कुल खाली। तो मैं उनके पास गया, उसने मेरा नाम पूछा, पर्पस पूछा, उसने भी 2 ही बात पूछी, मैं आ गया यहाँ पे। तो सबसे बड़ी टेंशन थी सिंगापुर इमिग्रेशन की थी, तो वो भी मैंने आपको बता दी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं पूछा, तो वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गई है।
और साथ में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, मैंने कम से कम 10 वीडियो देखी होगी लेकिन किसी ने भी अच्छी तरह से नहीं बताया भाई अब सिंगापुर आने के लिए डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, एक तो SG अराइवल कार्ड, वीज़ा, पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोई RT-PCR वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। तो मैंने कम से कम 6-7 राम तो भी राम से वीडियो देखी थी लेकिन मेरे को कहीं भी जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वही RT-PCR वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, VTL वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट, वीज़ा होना चाहिए आपके पास, SG अराइवल कार्ड, ये 3-4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप आराम से आ सकते हो।